अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की एक न्यू क्लास के साथ मैं अपने तमाम स्टूडेंट की खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारा सबक चल रहा था पेज नंबर 21 पर, 21 नंबर, पेज नंबर 21, नूरानी कायदे को ओपन कर लें। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा सबसे आखिर की तीन लाइनें, सबसे आखिर की तीन लाइनें। तो ओपन कर लें आप नूरानी कायदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक, दो, तीन, चार, चार लाइनें हो चुकी हैं, आज पांचवी लाइन है। तो देखें, पांचवी लाइन का पहला लफ्ज़ फाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फा ज़बर फा, मीम नून ज़बर मन, फमन, ऐन पे शु, फमन उ, फाजिर फी, फमन उफी, या ज़बर या, फमन उफिया, फमन उफिया, ऐन भी जल्दी पढ़ा जाएगा, फा भी और या भी, फमन उफिया। दूसरा लफ्ज़ देखें, मीम नून ज़ेर मिन, हमज़ा ज़बर आ, मिन आ, खयाज़िर ख़ी, मिन अख़ी, हाज़िर ही, मिन अख़ीही, मिन अख़ीही। तीसरा लफ्ज़ देखें, मीम नून ज़बर मन, हमज़ा ज़बर आ, मन आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, मन अज़ी, नून ज़बर ना, मन अज़ीना, मन अज़ीना। देखें, ज़ाल में और ज़ा में एक फ़र्क है, अंतर है। क्या अंतर है? वो ज़ा तो नॉर्मली निकलेगा, ज़बान ऊपर लगती है, दांतों से पीछे, ज़ा ज़ा है ना, और ज़ाल में ज़बान आगे, ज़बान का ये जो किनारा है, ज़बान का किनारा ये आगे वाले दांतों में लगता है, ज़ाल देर दी अधी, मन अधी है ना। तो ज़बान का जो बिल्कुल बाहर का हिस्सा है, जिसको ज़बान की नोक कहते हैं, ये आगे वाले दांतों पर लगी, अधी मन अधी ना, ये ज़ाल को प्रोनाउंस करने का तरीक़ा है। मन अधी नून ज़बर ना, मन अदेना, मन अदेना, ठीक है, मन अदेना, अदे थोड़ी सॉफ्ट और ज़ा में हार्ड आवाज़ निकलती है। दूसरी लाइन देखें, काबज़िर की, तालिब ज़बर ता, किता, बादो पेश बुन, किताबुन, हा ज़बर हा, किताबुन हा, काफ़ याज़िर की, किताबुन हकी, मीम दो पेश मुन, किताबुन हकीमुन। और देखें, ऐन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ़ ज़बर दा, अज़ा, बादो पेश बुन, अज़ाबुन। हम यहाँ ऐन को जल्दी पढ़ रहे हैं, ज़बर लग रहा है, ज़ाल को खींच के पढ़ रहे हैं, क्योंकि अलिफ़ के साथ ज़बर आ रहा है, बा पे दो पेश आ रहे हैं, अज़ा, बादो पेश बुन, अज़ाबुन। ग़ैन ज़बर गा, अज़ाबुन गा, लाम याज़िर ली, अज़ाबुन गली, ज़ादो पेज़ुन, अज़ाबुन गलीज़ुन। हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि मुफ्ती साहब मखरज बताएं, मैं इंशाल्लाह ऐसे एक एक मखरज रोज़ाना बताऊंगा ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर जब सब हो जाएंगे तो एक अलग से क्लिप बनाऊंगा मखरज के ऊपर कि कैसे कौन सा लफ्ज़ प्रोनाउंस करना है। ये मैं एक एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एक लफ्ज़ आप समझ भी जाएंगे, याद भी रहेगा और अच्छे से आप निकाल भी लेंगे। आखिरी लफ्ज़ देखें, हालिफ ज़बर हा, सीन ज़ेर सी, हा सी, दाल दो ज़ेर दिन, हा से दिन, हमज़ा ज़ेर ई, हा से दिन ई, हा से दिन ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हा से दिन इज़ा, हा ज़बर हा, हा से दिन इज़ा हा, सीन ज़बर सा, हा से दिन इज़ा हसा, दाल ज़बर दा, हासिदिन इज़ा हसदा, ठीक है। हा खींच के पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ लग रहा है ज़बर के साथ, सीन जल्दी पढ़ा जाएगा, दाल भी जल्दी पढ़ी जाएगी, हमज़ा जल्दी पढ़ा जाएगा, ज़ाल खींच कर पढ़ जाएगी क्योंकि ज़ाल पे ज़बर जो लग रहा है वो अलिफ के साथ आ रहा है, हा जल्दी पढ़ा जाएगा, हसदा का सीन भी और दाल भी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके क्लियर हो गया होगा। कल थोड़ा सा एक फार्मूला है, और कल जो मैं आपको एक न्यू फार्मूला पढ़ाऊंगा वो भी थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल है, थोड़ी दुश्वारी देता है समझने में, लेकिन उसकी भी ऐसे ही है, उससे उसको फार्मूले पर अगर आप अमल करेंगे तो बहुत शानदार आपको कुरान हो जाएगा। और अगर आप उस फार्मूले को फॉलो नहीं करेंगे तो इससे आपके सवाब में और कोई ऐसी गलती नहीं होती है उस फार्मूले पर अमल ना करने से जिससे बहुत गुना मिले, तो ऐसा नहीं है। जैसे ये हुरूफ हल्की वाला फार्मूला बताया था ना मैंने, ये ऐसा है कि इस पर अगर आप अमल कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अमल कर नहीं कर पाए इस फार्मूले पर तो इससे आपके सवाब में थोड़ी सी कमी हो जाएगी लेकिन गुना नहीं पड़ता है। इसी तरह से कल जो मैं आपको फार्मूला पढ़ाऊँगा वो भी ऐसा ही है कि अगर उसको फॉलो कर लें आप तो आपके सवाब में और उम्दा उम्दगी आ जाएगी।
आपका सवाब बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप उस फॉर्मूले का अमल ना करें तो इससे कोई गुनाह नहीं पड़ता है। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।